तो भाई आज हम वीडियो लेकर आ गए इंडियन फाइटर अल्ट्रा के ऊपर ही। आपने पहले सुना होगा, बीच में फिर ये बंद हो गया था आना, अब बहुत लिमिटेड स्टॉक आया है इसका। कहीं से मैंने अरेंज किया है, एक पेटी ही अरेंज हुई है, तो जिसको लेना जल्दी जल्दी। पहले तो कुछ भी लेना है आपको, कोई भी ब्रांड, सारे ब्रांड ये पैकिंग होने के लिए पड़े हैं, सबके पैक हो रहे हैं, तो ये सारे पैकिंग, वहाँ पैकिंग चल भी रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी टेपिंग के पीछे। ये गोडज़िला हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो, तो पूरी वीडियो देख के जाना, इसकी आज पूरी डिटेल देंगे, अनबॉक्सिंग भी करेंगे आपके सामने। ये देखो भाई गोडज़िला कांच, देखो भाई गोडज़िला, कोई देख दे हर वीडियो में गोडज़िला दिखाना अच्छी बात नहीं है, मेरे को पता है। इंडियन फाइटर अल्ट्रा का क्लिक बेट आप देख के आए हो, तो वही उस पर ही आते हैं हम। ये एक बारी और देख लो गोडज़िला, ठीक है, अब उस पर ही आ जाते हैं हम, फिर हम इस पर ही आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि हाँ, इंडियन फाइटर अल्ट्रा के ऊपर आते हैं। इंडियन फाइटर अल्ट्रा का स्टॉक बीच में आना बिल्कुल बंद हो गया था, इसलिए हमने प्रमोट करना बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। जब स्टॉक ही नहीं है तो आपको कहाँ से प्रोवाइड करेंगे प्रमोट करके। प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया भाई, जिसको नॉन स्ट्रेच और खींच के लिए जो मांगते हैं ना, खींच के लिए, सिर्फ खींच के लिए जो लड़ाते ही खींच का पेच है, उनके लिए सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ इंडियन फाइटर अल्ट्रा। क्वालिटी देखो आप, अभी रैपर के अंदर से, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको रैपर थोड़ा सा उतार के भी क्वालिटी और रफनेस दिखाऊंगा। अभी इसकी ओरिजिनल की बात कर लें तो इसकी पहचान क्या है, इंडियन फाइटर अल्ट्रा की पहचान क्या है। जो इंडियन फाइटर होता है ना, नॉर्मल इंडियन फाइटर, उसकी उसके उससे उसका डिफरेंस बता देता हूँ। इंडियन फाइटर ये देखो, ये वाला ऊपर आता है, इसका ऐसा ऊपर वाला स्टीकर आता है, सबसे ईजी है पहचानना। अंदर वाला इसका सेम ही होता है, अल्ट्रा में भी और नॉर्मल में भी सेम ही होता है। और ये थोड़ा जो इंडियन फाइटर नॉर्मल है, ये थोड़ा लंबा रहता है, मीटर दोनों में सेम है, वजन दोनों का सेम है, ये बस थोड़ा लंबा रहता है, ठीक है। ये लंबा एक ही शेप है इसकी, इसकी आप गौर से देखोगे तो शेप अलग है, पीछे से बड़ा है और आगे से छोटा है यहाँ साइड से, तो इसकी शेप सबसे बड़ी पहचान है ओरिजिनल की। तो इसका लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, तो उससे भी अवेयर रहना आपकी कि शेप सबसे बड़ी पहचान है, एक साइड भी बड़ी एक साइड से छोटी, ये पहचान मेन, सबसे मेन जो पहचान है। एक तो ये पहचान, ऊपर की मैंने स्टिकर की मैं आपको बता दी है, स्टिकर दोनों साइड की, ये पहचान हो गई है, ठीक है। और अंदर का स्टिकर तो चलो सेम ही आता है, सबसे मेन पहचान इसकी जो है कि हाँ, जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये वाली साइड बड़ी रहती है, ये वाली छोटी रहती है। तो अब आप क्वालिटी पर नज़र मारो एक बार, सॉरी वहाँ पैकिंग चल रही है, थोड़े आवाज़ में दिक्कत आएगी, पर अब क्वालिटी देखो इसमें, ग्लास कोटिंग, कांच देखो भाई कितना। अब थोड़ा सा अनरैप करके मैं और आपको दिखाता हूँ कांच, ये किसी का पीस है, मैं सोल्ड आउट है और लिमिटेड स्टॉक है, इसलिए मैं पूरा अनबॉक्स तो नहीं कर सकता, स्टॉक बहुत लिमिटेड पड़ा। ये देखो भाई रफनेस आप फील करो, और ब्रीक मान जाए, ये देखो आप मांझा देखो कितना ब्रीक है, ये यहाँ फोकस करना, ये यहाँ यहाँ, ये देखो अब ये चीज़ है भाई, ये देखो भाई। तो इंडियन फाइटर जिसको खींच के लिए लेना है भाई, कुछ मत सोचो इंडियन फाइटर से ऊपर खींच में कोई मांझा आया ही नहीं है, अगर आपको खींच के लिए लेना है, ठीक है। ओवरऑल जिसको खींच की ट्रिक है ना, तो इंडियन फाइटर से ऊपर कोई मांझा बना ही नहीं है भाई, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। बहुत लिमिटेड स्टॉक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो यही है कि लिमिटेड टाइम के लिए है इसकी वो जो स्टॉक है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी आप डीएम करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। नंबर आपको दिख ही रहा है, व्हाट्सएप नंबर जैसे भी स्क्रीन पे चल रहा होगा, 9350256761। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पेज जरूर फॉलो कर लेना, ऑफर आते रहते हैं इसमें। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें कमेंट में सजेशन देना, नेक्स्ट टॉपिक किस पर लाएं। 15 अगस्त आने वाला है, 1 अगस्त हो गई है, तो जल्दी जल्दी आप ऑर्डर प्लेस करो, मैं तो यही कहूँगा। और जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करके बेस्ट आपके 15 अगस्त जाए, सबको आप यही गुड विशेज है हमारी, थैंक यू।